हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं आज व्लॉग में अपना पुराना घर दिखाने वाला हूँ, जो मेरे दादा ने घर बनाया था। लगभग 50 साल पुराना मेरा घर है। तो आज का वीडियो में कंपनी दे रही है मेरी बहन। तो चलो मैं दिखाता हूँ अपना पुराना घर। ये जो सामने दिख रहा है 50 साल पुराना घर है, जो मेरे दादा ने बनवाया था। चलो मैं दिखाता हूँ इसके अंदर। ये हमारा घर का फर्स्ट स्टेप है, इसको ओदारा बोलते हैं, जहाँ पे गांव में सामान वामान रखा जाता है। और ये सामने जो दिख रहा है ना, ये सब बोरे, ये सब धान उनके बोरे हैं, जो गांव में हमारी जो जमीन है ना, वहाँ से लोग देते हैं गेहूँ चावल। तो इसको हम लोग यहाँ पे पॉक करके रखे हुए हैं पुराने वाले ही घर में, तो इसको ओदारा बोलते हैं। यहाँ पे पहले सारे लोग मेरे घर के शाम के टाइम यही पे आके बैठे थे। चलो मैं घर से फर्स्ट एंट्री करवाता हूँ फर्स्ट रूम में। तो देखो, ये पुराने जमाने का ही गेट है, ये जो मेरे दादा ने बनवाया है। और घर में एंट्री करते ही यहाँ से एक कमरा आता है, ये एक फर्स्ट कमरा है। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना छोटा सा दरवाजा है। पहले छोटा दरवाजा पता है क्यों बनाया जाता था? कि चोर घर में ना घुसे। उसके बाद यहाँ आते ही ये एक सीढ़ी, यहाँ से एक ऊपर सीढ़ी जाता है और आओ इधर। फिर अंदर आते ही ये एक अंगना बोलते हैं इसको गांव में, अंगना। देखिए पहले के जमाने में कैसे अंगना रहता है, ऐसे राउंड करके इस साइड से राउंड करके ये अंगना इसको बोलते हैं, अंगना। देखो भाई, ये अंगना है। यहाँ पे हमारे घर का सारा दिवाली वाली में पूजा वजा यहीं पे होता था। और चलो मैं पहले छत पे लेके चलता हूँ, फिर छत से नीचे लेके आता हूँ, फिर इधर से होके हम लोग छत पे जाते थे। देखो छत का ये पता है रास्ता इतना क्यों छोटा बनाया गया है? क्योंकि पहले के जमाने में जब चोर आते थे ना, तो कोई सामान वामान लेके ना भागे, एक साथ दो आदमी ना जाए, इसलिए बनाते हैं। छत पे ये एक रूम बना हुआ था। छत पे देखो गाइस, ये पुराने डिजाइन का रूम बना हुआ था। देख रहे हो इसकी छत के ऊपर का रेलिंग किस टाइप का दिख रहा है? और जिसके बारे में मैं ये बता रहा था, ये घर का आंगन है। देखो इसको ऊपर से हम लोग ऐसे ऐसे दिखता है घर का, ये आंगन है। फिर हम और उस टाइम जो दिख रहा है वो पुराने वाला घर है, जो अभी हमारा बना है। और मेरे अंकल का ये वाला घर बन रहा है फिलहाल, और वो हमारा घर बन चुका है। देखो गाइस, पहले गांव में ऐसे ही घर बनाए रहते हैं, और पहले वो उसको रेलिंग बोलते हैं गांव में, जो वो लगा हुआ है ना सामने। तो पहले के जमाने में लोहा का इसमें करके से ही इसको ऐसे ही बनाया जाए। देखो कितना अलग टाइप से बनाया गया है इसको। फिर इधर आते हैं तो इस साइड में ऐसे ही बना हुआ है रेलिंग। उसके बाद से ही ये सामने वो सारा का पार्ट है, और यहाँ से हमारा पुराना वाला छत जो है, पुराने वाला घर का पार्किंग एरिया दिखाई दे रहा है। चलो गाइज, अब मैं नीचे का दूसरा साइड दिखाता हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि इधर आधा पार्ट्स और था घर का, पर जब घर बनाने की ज़रूरत पड़ा तो ये घर आधा तोड़ दिया गया है। तो आधा घर बचा है, जिसमें काम वैसे ही सामान वामान रखा जाता है उसमें। जब वो घर कम्प्लीट होगा तो इसको पूरा तोड़ के हटा दिया जाएगा। चलो हम देखो सीढ़ी यहाँ पे कितना नीचे, रास्ता कितना नीचे रहता था और सीढ़ी कितना पतला है। तो चलो हम फिर सीढ़ी से नीचे जाते हैं। फिर हम वहीं आ गए जो आंगन का रास्ता होके घर से जाता था। और यहाँ पे एक गेट है, गेट के डिजाइन देख रहे हो, पुराने डिजाइन का ये गेट है। कितना लंबा चौड़ा है इसका, इसको चौखट बोलते हैं गांव में, कितना चौड़ा है। उसके बाद इसको ऐसे ओपन करते हैं, बहुत भारी होता था। बट मैं छोटा था तो ये खुलता ही नहीं था। मैं तो इसको ओपन करता हूँ, अभी ओपन करके आते हैं। फिर यहाँ पे एक रूम है,
छोटा सा रूम है। फिर अब यहाँ पे आते हैं तो देखो ये गेट का डिजाइन, सारे पुराने डिजाइन टाइप के बने हुए, कितने मतलब इसमें कितना मेहनत लगता है। फिर इधर आते हैं तो इस साइड एक सारा पड़ता है, ये घर का मेन गेट पड़ता था भाई। देख रहे हो घर के मेन गेट कैसे बनाया गया, कितना छोटा छोटा, मतलब इस पे देखो मोर और का फूल और का डिजाइन किया गया है। ये सारे पुराने डिजाइन, पुराने जमाने का डिजाइनिंग किया हुआ है। घर के ऊपर देखो घर में लकड़ी लगा था। फिर इधर से एक इस साइड वो सारा था। फिर इधर आने के बाद इधर से एक और रूम था, तो ये हमारे पास एक ये पुराना सा रूम था जिसमें हम रहते थे। मैं इसी रूम में रहते थे हमारी पूरी फैमिली, एक ये रूम था और यहीं रहते थे हम। उसके बाद से ये देखो ये गेट भी छोटा है ना, मैं बता रहा था ना कि घर का सारा गेट छोटा ही बनता था। इसका भी देखो डिजाइन। फिर हम इधर से एक राउंड करके इधर से फिर हम दूसरी तरफ से आ गए। सारे रूम में दो दो रास्ते रहते थे पहले वाले, फिर हम सारे में आ गए। तो सारा में आ गए। फिर मैं जहाँ से स्टार्ट किए थे हम कि यहाँ पे मेनो सारा है फ्रंट का, यहीं पे रहते हैं। सो है एवरीवन, घर का टू साइड फ्रंट था। जो फर्स्ट फ्रंट वो है जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, और एक फ्रंट ये भी आता था मेरे घर का रास्ता, और एक साइड ही है। देख रहे हो कितना घर पुराना हो गया है, यहाँ पे काम चलाया जा रहा है अभी इसको। इस साइड जो घर बना था मैंने बताया था ना, जब ये घर वो वाला पीछे वाला घर जब कम्प्लीट होगा ना, तो इस घर को मतलब तोड़ के हटा दिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस पुराने वाले घर पर एक ब्लॉग बना लेता हूँ, कि ये ब्लॉग रहेगा तो हम कभी देखेंगे इन फ्यूचर। पुराना वाला घर जो ये मेरे दादा का बनवाया हुआ घर था, तो यही दिखाना था मुझे अपने पुराने वाले घर के बारे में। मैं बताया नया वाला घर का वीडियो मैं तब दिखाऊंगा जब मेरा घर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तब तक जो भी मेरे भाई मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे को सजेस्ट करो कि मैं किस टाइप का वीडियो बनाऊँ, अभी मैंने शुरू किया है। और जो भी भाई नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। एवरीवन, यहाँ से एक सेकंड रास्ता इस साइड जाता है मेरे घर का पीछे। चलो मैं घर का पीछे का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से दो घर बना हुआ है, एक ये मेरा अपना घर बना है और ये साइड में, यहाँ से पीछे, और जस्ट यहाँ से पीछे एक यहाँ पे गैलरी है जो आधा आधा बना हुआ है, ये उनका घर है। और ये सारे मेरे खेत हैं। देखो इसमें अभी फिलहाल गेहूँ लगा हुआ है, और मेरे अंकल के खेत में वो सरसों लगा हुआ है। और मैंने बताया था ना कि यहाँ पे एक घर के पीछे मेरा भैया है ना, वो उनको थोड़ा सा मछली पालन वगैरह करने का शौक़ था, तो उन्होंने एक पोखरा बनवा रखा है छोटा सा, जिसमें वो मछली डाले हुए हैं। जब मछली निकलाएगा तब मैं आपको मछली का वीडियो दिखाऊंगा। और ये जो सामने दिख रहा है ना, ये कांटा वाटा से इसको राउंड करके ये किया गया है कि इसमें नील गाय वगैरह ना घुसे। और ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ भी लगाए गए हैं जो सरकार के तरफ से मिला है, और उसका एक बोर्ड भी मिला है मेरे भैया को। देखो इस पर उसका नाम लिखा है मेरे भैया का, सामने दिख रहा है योजना बिहार जिला सीमान प्रखंड बरतिया पंचायत राज तेतहली, योजना का नाम ग्राम तेतहली में अभिनव कुमार को निजी जमीन के वृक्षरोपण कार्य। वृक्षरोपण कुछ सरकार की तरफ से आया था तो उसको ये पास करवा के किया गया है, जहाँ पे हम लोगों को कम से कम 200 पेड़ मिले थे लगाने के लिए। और ये तार मिला हुआ था कि इसको मतलब वृक्ष के अंदर इसको क्या किया जाए, गेड़ लाइक इसको भचूरी बोलते हैं, गेड़ना मतलब बंद कर दिया जाए खेत को, कि कोई जानवर इसमें आके पेड़ पौधों को खाए हुए ना। और बता रहा था ना मैं, एक पोखरा था, इस पोखरे में मछली है। मैं कभी दिखाऊंगा इसमें, शाम को जब आऊंगा ना इधर घूमने, दाना वाना इसमें डालते हैं ना तो मछली आती है। इसमें भैया ने मछली पालन के लिए ये बना रखा है अपने लिए, तो इसमें मछली डाला गया है थोड़ा बहुत। तो एक बार मछली निकाला गया था तो मछली छोटी छोटी थी, अब कुछ टाइम हो गया तो एक बार और निकाला गया था तो मछली लगभग बड़ी हो गई थी सब। अब लास्ट होली आ रहा है ना, होली गांव में निकलाएगा मछली, तो मैं उस टाइम वीडियो बना के इसको अपलोड कर दूंगा। और ये रहा मेरे घर के पीछे का व्यू, एक ये घर जो मेरे अंकल का बना था, उसके बाद मेरा पुराना वाला घर, इधर ये एक मेरा नया वाला घर बना हुआ है, और साइड में ये मेरा बगीचा है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ पास से। तो हे गाइस, ये मेरा बगीचा है, और ये जो सामने आम का पेड़ दिख रहा है ना,
ऐसा आम का पेड़ पूरे गांव में किसी का नहीं है। जब इस पे फल आता है ना तो मतलब इतना ज़्यादा आता है ना, और इसका टेस्ट ही अलग होता है एकदम। ये मेरे घर के बगल में बगीचा है और सामने एक मेरी गाय है, देखो गाय दिख रही है, और ये कुछ कुत्ते के पिल्ले हैं लाइक मतलब पप्पी है जो मेरे ही घर के आसपास रहते हैं। इनके ये 3-4-5-6 भाई है जो एनी टाइम मेरे घर के आसपास ही रहते हैं। मेरे भैया डॉग लवर्स है लाइक उनको जानवर वगैरह बहुत पसंद है, तो वो एनी टाइम इनको खाना वाना डालते रहते हैं। तो सारे डॉग्स मेरे घर के आसपास ही अगल बगल ही रहते हैं, और वहाँ एक मेरी गाय है, देखो एक डॉग गाय के पास भी है, आपको शायद दिख रहा होगा कि नहीं। डॉग के बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे घर के आसपास ही रहते हैं। ये मेरे घर का बगीचा है, देखो एक डॉग और एक गाय,